मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MLP यूट्यूब चैनल। आई सीमा फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। स्टूडेंट, आवर क्लास इज फर्स्ट एंड सब्जेक्ट इज मैथ। इन द लास्ट वीडियो वी डिड कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 एडिशन अप टू 10। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे बेटा कि व्हाट यू हैव लर्न, कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा वो आपको करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन टिक है उस पे करेक्ट का साइन यूज करना है। सो द साइन यूज फॉर एडिशन इज, द साइन यूज फॉर एडिशन इज। एडिशन के लिए बेटा हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ये हमारा ये वाला या ये वाला, ये हमारा एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का है और ये इक्वल टू का है। तो एडिशन के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। ओके, सो इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट सम है 3 + 5। 3 और 5 कितने होते हैं बेटा, देखेंगे 5, 6, 7, 8। 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 8। तो 8 पे हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा एड द फॉलोइंग। मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था, बताया था कि बेटा अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो द सम ऑफ द आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। अगर 8 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 8। क्या होगा, 8। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 2 + 2 + 4। 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखेंगे 2 और 2 = 4 एंड 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8। 2 और 2 = 4, 4 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब नेक्स्ट सम है 0 + 2 + 7। 0 का कोई मीनिंग वैल्यू नहीं होता तो 2 और 7 को हम ऐड करेंगे, 7, 8 और ये 9। कितने हो जाएंगे बेटा, 9। तो 9 हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब है और नंबर लाइन ऐड द फॉलोइंग, नंबर लाइन पे ऐड करना है ये सम को। तो फर्स्ट हमें 0 से स्टार्ट करना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 0। 0 से हम राइट साइड कितने स्टेप लेंगे, 1 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 1 पे 1 स्टेप एंड देन वी टेक 4 स्टेप और स्टार्ट। अब हमारा पॉइंट क्या होगा स्टार्ट करने का, 1 से 4 स्टेप लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 5 पे हम यहाँ पे लिख के आएंगे, सो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 5। 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट सम है एड द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग लाइन्स। ये ड्रॉइंग लाइन ड्रॉ करके ऐड करना है। तो फर्स्ट सम है हमारा 1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 एंड 1, 2। 1, 2, 3, हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 3। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 3 + 5। 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3। 3 के लिए 3 लाइन ड्रॉ करी, अब 5 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5 ऐड करेंगे, ऐड ऑल द लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब नेक्स्ट सम है 2 + 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 2 लाइन्स, देन वी ड्रॉ 7 लाइन्स फॉर 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। We count all the lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा सब आंसर क्या होगा बेटा, 9। नेक्स्ट सम है 4 + 5। तो वी ड्रॉ 4 लाइन्स, 1, 2, 3, 4। देन वी ड्रॉ 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5। काउंट ऑल द लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे, 9। नेक्स्ट सम है put less than greater than or equal to sign in the blank space। blank space में हम equal to का sign use करना है बेटा। तो 3 और 2 कितने होते हैं हमारे, 5 and 5 और 5 क्या होते हैं, equal। तो हम कौन सा sign use करेंगे, equal to का। then 4 में हम 6 add करेंगे तो 4 के बाद 6 add करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 4 को हम 6 में ऐड करेंगे तो हमारे 10, 10। और देखो 9 में ग्रेटर क्या है बेटा, 10। हमारा 10 is greater than 9। कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का। नेक्स्ट समय
0 प्लस 5 एंड इस यहाँ पे 7 है, 0 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा, तो इधर 5 है और इधर 7 है, तो क्या आएगा 5 इज लेस देन 7। नेक्स्ट सम है, राजू हैज 2 बनानाज, शीला हैज 1 बनानाज, राधा हैज 2 बनानाज, हाउ मैनी बनानाज डू दे हैव। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल राजू के पास कितने बनानाज है, 2, एंड शीला हैज 1 बनानाज एंड राधा हैज 2 बनानाज, तो हाउ मैनी बनानाज डू दे हैव, दे ऑल हैव, तो इन दोनों तीनों के पास कितने बनानाज हो गए, काउंट करेंगे 2 प्लस 1 2, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने बनानाज हो गए बेटा, 5 बनानाज। ओके सो अब हम करेंगे बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1। टिक द करेक्ट ऑप्शन व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5, कि 5 से व्हाट कम जस्ट आफ्टर 5, 5 के बाद क्या आता है बेटा, 7 4 या 6, हमारा आंसर क्या आएगा 6। जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 है बेटा, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे इसमें बेटा, हम जो 4 चैप्टर में हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब इसमें आएगा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेम, व्हाट कम जस्ट आफ्टर 5, 5 के तुरंत बाद क्या आता है बेटा 6। एंड नेक्स्ट हम है, ट्यूजडे इज द डैश डे ऑफ द वीक, ट्यूजडे जो है वो वीक का कौन सा डे होता है, तो बेटा हमारा वीक स्टार्ट होता है मंडे से, एंड मंडे की नेक्स्ट कौन सा डे होता है ट्यूजडे, तो ट्यूजडे आवर कौन सा डे हो गया हमारा सेकंड डे, ट्यूजडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। अब 3 और 5 को ऐड करेंगे, तो 3 में हम 5 ऐड करेंगे, तो बेटा देखो 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4 5, काउंट लाइन करेंगे काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 8। अब नेक्स्ट सम है, राइट द मिसिंग लेटर्स टू गेट द नंबर्स नेम, जो मिसिंग लेटर है वो फिल करने हैं और नंबर नेम बनाने हैं, तो फर्स्ट है 2, टी डब्ल्यू 2 की क्या स्पेलिंग होती है बेटा, टी डब्ल्यू ओ 2, तो डब्ल्यू यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट है 9, तो 9 की स्पेलिंग फिल करेंगे N I N E 9। नेक्स्ट है 6, तो S क्या स्पेलिंग हो गई S I X 6, 6 की क्या स्पेलिंग हो बेटे S I X 6। अब है 8, तो 8 की स्पेलिंग फिल करेंगे E I G H T 8। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी 5 की, तो F I V E 5। नेक्स्ट है 3, T H R E 3। फर्स्ट स्पेलिंग हमारी 2 की थी, T W O 2। नेक्स्ट 9, N I N E 9। फिर नेक्स्ट हमारी 6, S I X 6। फिर है 8, E I G H T 8। नेक्स्ट है 5, F I V E 5। नेक्स्ट है 3, T H R E 3। अब है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करना है हमें, तो फर्स्ट सम है 7 और 5 में से बेटा देखो 7 5 से बड़ा है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ग्रेटर देन का, कौन सा साइन यूज करेंगे ग्रेटर देन का। देन नेक्स्ट सम है 3 और 3, तो 3 3 के क्या होता है बेटा इक्वल, तो हम इक्वल टू का साइन करेंगे यूज। अब है 6 और 8, 6 देखेंगे 8 से छोटा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे लेस देन का, 6 इज लेस देन 8। नेक्स्ट समय 9 और 2, तो 9 क्या है 2 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट समय हमारा 9 और 6, 9 क्या है 6 से बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 6, तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है 8 और 10, तो 8 क्या है 10 से छोटा है, तो क्या करेंगे लेस देन का साइन यूज करेंगे, 8 इज लेस देन 10। अब हमारा नेक्स्ट सम है फिल इन द ब्लैंक्स, मार्च इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, मार्च जो है वो ईयर का कौन सा मंथ होता है, तो बेटा हमारा मंथ स्टार्ट होता है जनवरी से, जनवरी फरवरी एंड नेक्स्ट इज मार्च, तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। ओके अब नेक्स्ट समय हमारा सैटरडे इज द डैश डे ऑफ द वीक,
तो वीक सैटरडे हमारा कौन सा डे होता है वीक में बेटा? तो फर्स्ट डे हमारा होता है मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे हमारा कौन सा डे हो गया बेटा? सिक्स्थ डे। सैटरडे हमारा कौन सा डे हो गया? सिक्स्थ डे। अब नेक्स्ट हमें हमारा द पोजिशन ऑफ एन इन ड्रॉइंग इज, ड्रॉइंग जो ये वर्ड है इसमें एन की पोजिशन कौन सी है? तो देखेंगे बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो एन की पोजिशन क्या हो गई बेटा यहाँ पे? सिक्स्थ पोजिशन। अब नेक्स्ट हमें इन मैंगो द थर्ड लेटर इज, मैंगो जो ये वर्ड है इसमें थर्ड लेटर कौन सा है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा बेटा? एन। तो मैंगो में थर्ड लेटर क्या है यहाँ पे? एन। अब है टी इज द डैश लेटर इन टुलिप, टी जो है वो टुलिप में कौन सा लेटर है बेटा? तो देखेंगे हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? टी। तो ये हमारा कौन सा लेटर है बेटा? फर्स्ट लेटर। ओके, अब है ना हमारा लास्ट सम है, लवान्या हैज सेवन डॉल्स, हर सिस्टर हैज टू डॉल्स, हाउ मैनी डॉल्स डू बोथ ऑफ देम हैव ऑल टूगेदर? तो अगर लावान्या के पास सेवन डॉल्स हैं और उसकी सिस्टर के पास टू डॉल्स हैं, तो हम अब क्या है कि दोनों के पास कितने डॉल्स होंगे? तो बेटा देखेंगे कि सेवन में हम टू ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ सेवन लाइंस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, देन वी ड्रॉ टू लाइंस, वन, टू। अब काउंट करेंगे लाइनों को, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो दोनों के पास टोटल डॉल्स कितने होगी? बोथ ऑफ देम हैव नाइन डॉल्स। बोथ ऑफ नाइन हैव कितने हो गए? नाइन डॉल्स। तो बेटा योर एच डब्ल्यू इज पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका एच डब्ल्यू है। तो डू एच डब्ल्यू इन योर मैथ्स नोटबुक। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल रीड चैप्टर 7 एंड डू सम एक्सरसाइज इन चैप्टर 7 इन साइंस। सो लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। आवर चैप्टर नेम इज आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बेटा आज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे, आज रिवाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ज्ञान इंद्रियों के बारे में, और ग्रोइंग अप के बारे में आज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट बेटा यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसमें फर्स्ट है आई, ई वाई ई आई, एन ओ एस ई नोज, एच ए एन डी हैंड, ए आर एम आर्म, एल ई जी लेग, फोरहेड एफ ओ आर ई एच ई ए डी फोरहेड। बॉडी पार्ट्स नेम है बेटा ये ईयर, ई ए आर ईयर, माउथ एम ओ यू टी एच माउथ, चेस्ट सी एच ई एस टी चेस्ट, स्टमक एस टी ओ एम ए सी एच स्टमक, के एन ई डबल ई नी, एंड फुट एफ डबल ओ टी फुट। दीज आर अवर बॉडी पार्ट्स। नाउ वी रीड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं। ईच बॉडी पार्ट्स हैज़ ए नेम, प्रत्येक जो शरीर का अंग है उसके नाम हैं। दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डिफरेंट थिंग्स, जो ये बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, ये सभी अलग अलग चीज़ों में हमारी मदद करते हैं। आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट, होल्ड एंड थ्रो, जो हमारे हाथ हैं वो लिखने, खाने, किसी चीज़ को पकड़ने और किसी चीज़ को फेंकने में हमारी मदद करता है। क्या बेटा? हैंड्स, हाथ, लिखते हैं हाथों से हम, खाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं और किसी चीज़ को फेंक सकते हैं, किससे बेटा? हैंड्स के हेल्प से, हाथों के हेल्प से। नेक्स्ट इज आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन एंड किक, आवर लेग जो हमारे लेग होते हैं, पैर होते हैं, वो मदद करते हैं चलने में, दौड़ने में और किक मारने में। कौन करते हैं? लेग, लेग्स हेल्प करते हैं चलने, दौड़ने और किक मारने में हमारी मदद करते हैं। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन होते बेटा ज्ञान इंद्रिया। कौन कौन से होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। आँख,
कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन मींस त्वचा, हमारे पांच इंद्रियां हैं। दे हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ये हमारे हमें महसूस कराते हैं हमारे चारों ओर क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आइज, वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि हमारे चारों साइड क्या है। वी हियर विद आवर ईयर, अचानक से कुछ गिर जाता है फ्लोर पे, फर्श पे, तो हमारे कान हमें बताते हैं कि वो क्या गिरा है और आँखें बताती है कि वो क्या चीज़ गिरी है। नेक्स्ट इज वी स्मेल विद आवर नोज, नाक से हम बेटा हम नाक से सूंघते हैं। कुछ भी अच्छी बुरी स्मेल किससे पता चलती है हमें, हमारी नोज से। नेक्स्ट इज वी टेस्ट विद आवर टंग, हम चखते हैं किससे, टंग से, आइसक्रीम, कोल्ड, हॉट, हमें पता चलता है चाय का टेस्ट, जो टी टेस्ट होता है, आइसक्रीम का टेस्ट हमें किससे पता चलता है, टंग से। नेक्स्ट इज वी फील विद आवर स्किन, फील करते हैं हम किससे, त्वचा से। अगर हमारी हाथों पे ऊपर कोई भी आइस क्यूब रख दी जाए, ठंडा आइस क्यूब रख दिया जाए, तो हमें महसूस होता है कि हमारे त्वचा से हमें पता चलता है कि यह ठंडा है, कोल्ड है। और अगर कोई गर्म चीज़ रख दी जाए तो हमें पता चलता है त्वचा से कि वह गर्म है, स्किन से। सो फाइव सेंस और कौन कौन से बेटा, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए, यू डोंट फिट इनटू द क्लॉथ्स यू वॉर व्हेन यू वर ए न्यू बॉर्न बेबी, ये कह रहा है यू डोंट फिट इनटू द क्लॉथ, जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे, छोटे बेबी थे, आप कपड़ों में फिट नहीं आते थे। दिस इज़ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड सो डू वी, क्योंकि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जीवी चीज़ें, वो ग्रो करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो ड्रेस आपको फाइव ईयर्स के थे आप तब आ रही थी, वही ड्रेस आपको टेन ईयर्स के हो जाओगे तब भी आएगी, क्योंकि लिविंग थिंग्स बेटा ग्रो करती है, जिस वजह से जो हमारे फाइव ईयर्स के जो कपड़े आते थे वो टेन ईयर्स के टाइम पे वो क्लोथ्स हमारे नहीं आते। एज़ वी ग्रो वी बिकम टॉलर एंड बिगर, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, लंबे और बड़े होते हैं। ए बेबी ग्रो इंटू ए चाइल्ड, जो एक बेबी होता है वो ग्रो करता है, जब बढ़ता है तो एक चाइल्ड बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है। जो छोटा शिशु होता है वो ग्रो करेगा, जब बढ़ेगा तो एक बच्चा बन जाता है। एंड ए चाइल्ड ग्रो इंटू एन अडल्ट, और जो चाइल्ड होता है वो ग्रो करके जब बड़ा होता है तो वह एक वयस्क, एक बड़ा आदमी बन जाता है। एंड एन अडल्ट ग्रो टू बिकम ए बिकम ओल्ड, और जो एक अडल्ट, एक बड़ा आदमी बनने के बाद जो और ग्रो करता है तो वह एक बूढ़ा बन जाता है। तो शिशु से स्टार्टिंग होते होते हम बूढ़े हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आज हमने क्या किया है, अपने और बॉडी पार्ट्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ ऑफ द बॉडी हैज़ ए डिफरेंट नेम, एंड द बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर फाइव सेंस ऑर्गन, एंड द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस। एज वी ग्रो आवर बॉडी बिकम टॉलर एंड बिगर। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज, फर्स्ट इज फिलअप्स, आपको चूज करने हैं इसके अंदर से और इसके अंदर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट इज हैंड्स, लेग्स, स्टमक एंड फीट आर सम ब्लैंक पार्ट, क्या है हमारे सभी बेटा, ये बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट इज आवर हैंड्स हेल्प अस टू ब्लैंक एंड ब्लैंक, हमारे हाथ हमारे किस में मदद करते हैं, पिक एंड थ्रो। नेक्स्ट इज आवर लेग्स हेल्प अस टू ब्लैंक एंड ब्लैंक, हमारे पैर किस में मदद करते हैं, वॉक एंड रन में। नेक्स्ट इज वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा, फाइव। नेक्स्ट इज एज वी ब्लैंक आवर बॉडी बिकम टॉलर एंड बिगर एज वी ग्रो। नेक्स्ट इज राइट, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत, सही चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रू, और जो चीज़ गलत बता रहे हैं उसके लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। फर्स्ट इज बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट नेम्स, जो शरीर है उसके सभी के अलग अलग नाम होते हैं। यस दिस इज राइट, सो वी राइट ट्रू। नेक्स्ट इज हैंड्स एंड लेग्स आर सेंस ऑर्गन, हाथ और पैर सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, नो दिस इज रॉन्ग, सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज नोज हेल्प अस टू स्मेल, जो नाक है वो मदद करती है सूंघने में, यस दिस इज राइट, सूंघते हम नोज से, सो राइट डाउन ट्रू।
नेक्स्ट इज स्किन इज ए सेंस ऑर्गन, जो त्वचा होती है हमारी सेंस ऑर्गन होती है. यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू. नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस. जो सेंस ऑर्गन होती है, इंद्रियां होती है हमारी, वो हमें महसूस कराती है कि हमारे चारों ओर क्या है. यस दिस इज राइट, सो राइट डाउन ट्रू. नाउ वी डू मैचअप. फर्स्ट इज आई, आई से हम क्या करते हैं सी, सो मैच द सी. स्किन मैच फील, बिकॉज स्किन से हम फील करते हैं. नोज, नोज मैच द स्मेल, बिकॉज नोज से हम स्मेल करते हैं. ईयर्स, ईयर्स से हम हीयर सुनते हैं, सो मैच द हीयर्स. टंग, टंग से हम क्या करते हैं बेटा, टेस्ट, सो मैच द टेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. ए बॉडी पार्ट ऑफ द, ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स अस टू पिक एंड थ्रो. बॉडी का कौन सा पार्ट है जो पिक करता है, चीज़ें उठाता है और फेंकता है. हैंड्स, हाथों से हम चीज़ों को लेते हैं और फेंकते हैं. नेक्स्ट इज ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प अस टू वॉक एंड रन. वॉक चलते हैं और दौड़ते किससे बेटा, लेग्स पैरों से. नेक्स्ट इज टू सेंस ऑर्गन, कोई भी दो सेंस ऑर्गन, आइज नोज. नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टेस्ट फूड. हम भोजन को किससे चखते हैं, टंग से. ओके, सो राइट डाउन टंग. नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू फील हार्ड और सॉफ्ट, हॉट और कोल्ड. कौन सा सेंस ऑर्गन है जिससे हमें कठोर और मुलायम पता चलता है, गर्म और सर्दी का पता चलता है, स्किन, त्वचा से. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ, वो आप अपनी नोटबुक से रिवाइज करें. नाउ वी रिवाइज क्वेश्चन 6. टेक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है बेटा फर्स्ट टू स्मेल ए रोज यू विल यूज योर स्मेल. सूंघते हो आप एक गुलाब को तो क्या यूज करोगे आप, टंग, स्किन, नोज या ईयर्स. क्या यूज करोगे, नोज, नाक. नेक्स्ट इज टू रीड ए बुक यू विल यूज योर. जब आप एक बुक को पढ़ते हो तो क्या यूज करोगे आप अपना, नोज, आइज, ईयर या टंग. किसे यूज करोगे, टंग. बोलते हो आप किससे, हो टंग से. नेक्स्ट इज टू किक ए बॉल यू विल यूज योर. एक बॉल को जब किक मारोगे आप तो क्या यूज करोगे, हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स या स्टमक. राइट आंसर इज लेग्स. लेग्स हम क्या करते बेटा, किक. नेक्स्ट इज टू टेस्ट ए केक यू विल यूज योर. जब एक केक को टेस्ट चखते हो आप तो क्या यूज करोगे आप अपना, आइज, स्किन, टंग या ईयर्स. राइट आंसर इज टंग. ओके, जीभ, जीभ से हम केक को चखते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बेटा, 3, 5, 6, 8. कितने होते हैं, 5. सेंस ऑर्गन कितने होते हैं बेटा, 5. ओके डियर स्टूडेंट, आवर रीडिंग एंड एक्सरसाइज इज कम्प्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 6 आप बुक से याद करेंगे और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आप नोटबुक से याद करेंगे. ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनू मैम, योर SS टीचर फ्रॉम फर्स्ट क्लास. टुडे आई टीच चैप्टर नंबर 6, आवर होम. OUR, आवर, HOME, होम, आवर होम, हमारा घर. द प्लेस वेयर वी लिव, THE, द PLACE, प्लेस, WHER, वेयर, WEV, LIV, इन लिव, विद अवर फैमिली इज कोल्ड ए होम, WITH, विद, OUR, आवर, FAMIL, वाई फैमिली, ISIS, CALLED, कॉल, HOME, होम. द प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली इज कॉल्ड ए होम. वह जगह जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वो क्या है, हमारा घर, वो क्या कहलाता है, घर. वी ऑल लिव इन होम्स, WEVALLIVE, लिव, IN, HOMES, होम्स. वी ऑल लिव इन होम्स की हम सब कहाँ रहते हैं, घरों में. वी फील कंफर्टेबल इन आवर होम, WEVFEEL, फील, COMFORTABLE, कंफर्टेबल, IN, OUR, आवर, HOME, होम. वी फील कंफर्टेबल इन आवर होम कि हम अपने घर में सुरक्षित, आरामदायक महसूस करते हैं. फील मीन्स महसूस और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. कहाँ महसूस करते हैं आरामदायक, अपने घर में. वी ईट, स्लीप, बाथ, प्ले, कुक फूड एंड वॉच टीवी इन आवर होम, WEVEAT, ईट, SLEET, स्लीप,
BATH bath, PLAY play, COOK cook, FOOD food, AND end. We eat, sleep, bath and cook food and watch TV in our home. WEV, EAT eat, SLEEP sleep, BATH bath, PLAY play, COOK cook, FOOD food, AND end. WACTH watch TV in 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 OUR hour. HOME home. We eat, sleep, bath, play, cook, food and watch TV in our home. कि हम सब क्या करते हैं? Eat means खाना, sleep means सोना, bath means नाना, play means खेलना, cook means पकाना, खाना पकाना, food cook and watch TV कि टीवी देखना in our house कि हम कहाँ करते हैं? अपने घर के अंदर. A home is called a sweet home. A HOME home. IS is CALLED called a SWEET sweet HOME home. A home is called a sweet home. कि जो हमारा घर है वो एक बहुत ही प्यारा घर है. Where is your home? कि आपका घर कहाँ है? कहाँ है आपका घर? Which is your favorite room at your home? कि आपका जो सबसे पसंदीदा रूम है वो आपके घर में कहाँ है? Which is your, कौन सा है? Which is your favorite room at your home? A big home has many rooms. A big, big, HOME home, HAS has, MANY many, ROOMS rooms. A big home has many rooms. एक बड़े घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं. It is airy and sunny. IT it IS is AIRY airy, AND and SUNNY sunny. कि उसमें क्या होता है? Airy means हवादार और sunny means जहाँ पर रोशनी होती है. We do different activities in this room. WEV, DO, DIFFERENT, different, ACTIVITIES, activities in INN, THESC, these are OOMS rooms. We do different activities in these rooms. कि हम सब विभिन्न प्रकार की activities करते हैं कहाँ? इन कमरों में. Number first पे क्या है? This is the living room. THIS this, IS is, TH is the, LIVING living, ROOM room. This is the living room. कि जहाँ हम रहते हैं, living room जहाँ पर हम अपना TV वगैरह देखते हैं. We watch TV here. WEV, WATCH watch TV here. HERE here. जहाँ हम TV देखते हैं. This is the bedroom. THIS this, IS is, TH is the, BED bed, ROOM room. This is the bedroom. ये है बेडरूम है. वी स्लीप हेयर WEV SLEEP स्लीप HERE हेयर. वी स्लीप हेयर मतलब जहाँ हम सोते हैं. दिस इज द डाइनिंग रूम. THIS दिस, IS इज, TH इज द, DINING डाइनिंग, ROOM रूम. दिस इज द डाइनिंग रूम जहाँ हम अपना खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है? डाइनिंग रूम. वी ईट आवर मील्स हेयर. WEV EAT ईट, OUR आवर, MEALS मील्स, HERE here. This is the dining room. We eat our meal here. कि ये हमारा खाना खाने का कमरा है. We eat our meals. कि यहाँ हम अपना खाना खाते हैं. This is the study room. ये हमारा पढ़ने का कमरा है. THIS this, IS is, TH is the, STUDY study, ROOM room. This is the study room. We study here. WEV STUDY study, HERE here. We study here. यहाँ हम पढ़ते हैं. This is the study room. ये हमारा पढ़ने का कमरा है. We study here. यहाँ हम पढ़ते हैं. This is the kitchen. THIS this, IS is, TH is the, KITCHEN kitchen. This is the kitchen. किचन क्या होता है? रसोई का. We cook food here. कि जहाँ हम खाना पकाते हैं. WEV COOK cook, FOOD food, HERE here. We cook food here. कि जहाँ हम अपना खाना बनाते हैं. This is the kitchen. THIS this, IS is, THE the, PIKITCHEN kitchen. Kitchen means रसोई घर होता है. We cook food. जहाँ हम अपना खाना बनाते हैं. WEV COOK cook, FOOD food, HERE here. We cook food here. This is the bathroom. Bathroom में नहाने का कमरा होता है. THIS this, IS is, TH the, BATH ROOM room. This is the bathroom.
कि ये हमारे रहने का कमरा है. वी टेक ए बाथ हेयर, जहाँ हम नहाते हैं. डब्ल्यू ई वी टी ए के ई टेक ए बी ए टी एच बाथ एच ई आर ई हेयर. वी टेक ए बाथ हेयर कि जहाँ हम नहाते हैं. वी मस्ट डब्ल्यू ई वी एम यू एस टी मस्ट के डबल ई पी की ओ यू आर आवर एच ओ एम ई होम क्लीन सी एल ई एन क्लीन. वी मस्ट कीप अवर होम क्लीन कि हम अपना घर को बिल्कुल साफ और सुंदर रखते हैं. क्लीन मीन्स साफ. ए क्लीन होम मेक्स अस हैप्पी ए सी एल ई एन क्लीन ए क्लीन एच ओ एम ई होम एम ए के ई एस मेक्स यू एस एस एच ए डबल पी वाई हैप्पी. होम मेक्स अस हैप्पी ए क्लीन होम मेक्स अस हैप्पी. जो एक साफ सुथरा घर होता है वो हमें बहुत ही खुश हंसा देखता है. डू यू नो सनलाइट किल्स जम्प्स इन द हाउस, जो हमारे सूर्य की रोशनी आती है वो हमारे कीटाणुओं को मार देता है. अभी मैंने आपको क्या कराया बेटे, चैप्टर नंबर 6 आवर होम, हमारा घर रीड कराए हैं. अभी मैंने आपको ये बिल्कुल पूरा द प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड ए होम, जहाँ पर हमारा पूरा परिवार रहता है वो हमारा एक घर कहलाता है. ओके अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 रीड कराए हैं, तो कल आपको भी ये चैप्टर नंबर 6 रीड करना है. ओके थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. टुडे आई विल रीड चैप्टर 1 इन इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट. ये स्टूडेंट्स जो आपके SC1 के एग्ज़ाम होंगे उसमें इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 to 8 आएंगे. कितने चैप्टर 1 to 8, 1 से लेकर और 8 तक आपके एग्ज़ाम में आएंगे. अभी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. ओके लेट्स वी स्टार्ट क्लासेस फर्स्ट. Our chapter name is English Alphabet. English Alphabet. An alphabet is a set of letters. जो alphabet होते हैं वो letters के set होते हैं. There are 26 letters in the English alphabet. English alphabet में कितने letters होते हैं बेटा? 26. A, B, C, D होती है जो कितने होते हैं बेटा? 26. Each letter has its own sound. जितने भी ये letters हैं इनके सभी के अपना अपना अलग अलग आवाज़ अलग अलग sound होती है खुद की. These 26 letters are arranged in a fixed order. जो 26 letters होते हैं ये एक fixed order में होते हैं. You can write the letter in two forms. आप इन letters को दो तरीकों से लिख सकते हैं. किस किस तरह से हम बता रहे हैं अभी? Capital letter. Capital होते हैं जो बड़ी ABCD होती हैं उनको बोलते हैं capital letters. This is the way you write the capital letter. जो ये तरीका है A to Z का, ये हमारा क्या होगा बेटा? Capital letter A to Z. ओके ये हो गए हमारे कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट इज स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर हो गए हमारी जो छोटी ABCD होती है वो हो गए हमारी स्मॉल लेटर्स. जैसे दिस इज द वे यू राइट द स्मॉल लेटर, ये एक तरीका है जिससे हम छोटी ABCD राइट डाउन करते हैं. ओके अभी आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर आपको पता है. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. वर्कशीट में बेटा आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. एंड ब्लैंक इज ए सेट ऑफ लेटर्स. एंड ब्लैंक इज ए सेट ऑफ लेटर्स. इसमें आएगा बेटा अल्फ़ाबेट. क्या आएगा? अल्फ़ाबेट. एंड अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स. सो राइट डाउन अल्फ़ाबेट. नेक्स्ट दे आर ब्लैंक लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं बेटा? 26 या 20? राइट आंसर इज 26. सो राइट डाउन 26. नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक केस लेटर्स. जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको और क्या कह सकते हैं हम? अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर. राइट इज अपर. जो कैपिटल लेटर होते हैं बेटा उनको हम अपर लेटर भी बोलते हैं. सो राइट डाउन अपर केस लेटर. नेक्स्ट इज स्मॉल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड. जो स्मॉल होती है छोटी भी सीढ़ी होती है उनको और हम क्या कह सकते हैं? अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर. उसको बोलेंगे हम लोअर केस लेटर. तो बेटा कैपिटल लेटर को हम अपर बोलते हैं और स्मॉल को हम लोअर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज अरेंज दिस लेटर इन देयर फिक्स्ड ऑर्डर. आपको हम एग्ज़ाम में इस तरह से भी दे सकते हैं कि जो ABCD होती है उनको आगे पीछे लिख के और आपको बोलेंगे कि उनको जैसे वो फिक्स्ड ऑर्डर जो सीक्वेंस वाइज होते हैं उस तरह से राइट डाउन करें. इस तरह का इसमें दिया हुआ है DBEHACIZE.
इस तरह इसमें दिया हुआ है, तो इनको सीक्वेंस वाइज किस तरह लगाओगे? सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? ए, तो आप राइट डाउन ए करोगे, फिर बी, इसमें बी दिया हुआ है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई। इस तरह से आपको और भी अलग तरीके से और भी अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे और उनको आप सीक्वेंस वाइज लगाएंगे। नेक्स्ट में आपको राइट देयर स्मॉल फॉर्म्स। इस तरह से बेटा आपको कैपिटल लेटर में आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसको स्मॉल लेटर में लिखें। जिस तरह इधर दे रखा है, आपको ये स्मॉल लेटर में लिखने हैं और ये इस तरह से आपको इधर भी स्मॉल लेटर में लिखने हैं। इसी तरह इसमें आपको कैपिटल लेटर, इधर स्मॉल लेटर दिए जाएंगे, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स में। ओके, नाउ वी डू चैप्टर टू। ओके, फर्स्ट इज चैप्टर टू, वर्ड मेकिंग। चैप्टर नेम इज वर्ड मेकिंग। ये बेटा आपका रिवीजन चल रहा है तो आप साथ साथ रिवाइज भी करते रहें। लेटर और यूज टू मेक वर्ड्स, जो लेटर होता है उनका यूज होता है किसमें? शब्दों को बनाने में। लेटर्स आर अरेंज इन ए वे टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। लेटर को अरेंज किया जाता है जिससे एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है वे उसके शब्द बनाए जाते हैं इनसे, लेटर से। जैसे कि आपको दे दिया जाए, मान लो बी, ओनली बी है, बी का कोई मीनिंग नहीं होता, बट बी ए टी इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका बन जाएगा मीनिंग बैट। बी ए टी बैट, बैट मीन्स बल्ला। तो ये कह रहा है कि जब हम लेटर्स को इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो एक जिसका कोई अर्थ हो वो कोई एक वर्ड बनकर तैयार होता है। जैसे कि सी ए टी इनको जॉइंट करेंगे, जोड़ेंगे हम, तो सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसी तरह बी ए जी अलग अलग है, जोड़ेंगे तो बैग, आर ए एन रैन रन, एच ई एन हैन, बी आई एन बिन, टी ओ वाई टॉय, जे यू जी जग। बैट मीन्स बल्ला, कैट मीन्स बिल्ली, बैग बस्ता, रन दौड़ना, हैन मुर्गी, बिन डस्टबिन हो जाएगा जो हमारा, टॉय खिलौना, और जग मीन्स जग। एक मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। इसी तरह सम मोर वर्ड्स, जैसे हैट, लेड, फैन, कैप, ये बेटा सभी मीनिंगफुल वर्ड हैं। वेट, लेग, रेड, टैन, ये जो बच्चे जिनको इंग्लिश रीडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को पेज नंबर 9 अच्छे से रीडिंग करें। छोटे वर्ड हैं, बोलने हमें आसानी होगी और इंग्लिश भी शार्प होगी बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग। वेट, लेग, रेड, टेन, मिग, लीड, हिट, टिन, पोट, नॉट, कोय, रॉब, कब, मग, फन, सन, डेट, लेक, गेम, बैंड, बेल, फीट, वीप, टेंट, डिश, रिंग, टाइम, काइट, शॉप, नोज, लॉक, बुक, बुल, लक, फुल, टक, आंट, बनाना, कॉट, डॉग, एग, फिश, गन, होम, आइस, जार, किटन, लोटस, मैंगो, नट, ओवल, पियर, क्विक, रेड, शिप एंड ट्री। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। हाउ डज द वर्ड मेक वर्ड, हाउ डज द वर्ड मेक, शब्द कैसे बनते हैं? सो आंसर इज लेटर्स, एल ई डबल टी आर एस, लेटर्स आर यूज्ड, ए आर ई आर यू एस ई डी यूज्ड, टू मेक, टी ओ टू एम ए के ई मेक, वर्ड्स डब्ल्यू ओ आर डी एस। जो लेटर्स होते हैं अक्षर, अक्षरों का उपयोग शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है। लेटर्स आर यूज टू मेक वर्ड्स, अक्षरों, लेटर्स होते बेटा अक्षर, अक्षरों का उपयोग शब्द बनाने में किया जाता है। ये कह रहा है हाउ डज द वर्ड मेक, शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द बनते हैं अक्षरों के उपयोग से। नेक्स्ट इज राइट ए ई आई और यू इन द एम्प्टी बॉक्स टू गेट टू वर्ड्स। इसमें आप वोवल्स यूज करने हैं और इससे आपको एक बॉक्स में डालना है और आपको टू वर्ड्स यूज मिलेंगे। किस तरह से? B blank T, C blank A T। तो इसमें हम अगर A राइट डाउन करेंगे तो दो वर्ड बन जाएंगे, C A T कैट और B A T पैट। इसी तरह N बॉक्स T, H empty box N। इसमें अगर हम U डालते हैं, E डालते हैं, तो H E N hen और N E T net। इसी तरह B empty box, P
पी एम्प्टी बॉक्स, इसमें अगर हम आई डालते हैं तो पी आई एन पिन, पी बी आई एन बिन और पी आई एन पिन बन जाता है, एक यूजफुल एक मीनिंगफुल वर्ड। इसी तरह ओ डालेंगे इसमें टी ओ वाई टॉय, बी ओ वाई बॉय। यू डालेंगे इसमें जे यू जी जग, एस यू एन सन। ओके, इसी तरह बेटा आपको रीअरेंज करने हैं, ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं आगे पीछे करके आपको करेक्ट करना है। जैसे कि वी ए एन वैन एक मीनिंगफुल वर्ड बना है। नेक्स्ट इज पिक्चर देख के यूज कर सकते हो आप, एच ए टी हैट आपको नेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने। स्टैग, ये बेटा स्टैग जिसके जो सींग होते हैं वो होते हैं 12, 12 सींग वाले को बोलते हैं हम स्टैग, एस टी ए जी, एस टी ए जी स्टैग। स्टैग होते हैं जो 12 सींग के, 12 जो इसके सींग होते हैं। नेक्स्ट इज बैल, पी ई डबल एल बैल। नेक्स्ट इज बुक, बी डबल ओ के बुक। नेक्स्ट इज डक, डी यू सी के डक। ओके, टुडे वी विल डू चैप्टर 1। ओके, अभी हमने आपको कराए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रीडिंग और एक्सरसाइज। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा, आपको चैप्टर 1 और 2 रीडिंग रिवाइज करते हुए इनकी एक्सरसाइज को फिल करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, आई एम संगीता मैम, टीचर ऑफ फर्स्ट क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ पहला भाषा पढ़ेंगे, देखिए और पढ़ें बेटा। पाठ का नाम है भाषा, भाषा पढ़ेंगे हम। देखिए बेटा, हम जो भी कुछ बोलते हैं ये सभी क्या है, भाषा। ठीक है, हम जो भी कुछ बोलते हैं वही क्या है, भाषा है। देखिए यहाँ पे चित्र में दो बच्चे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम कुशल। ठीक है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इधर देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। अध्यापिका जो है वो बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है, समझा रही है, तो ये अध्यापिका भी भाषा का प्रयोग कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये लड़की है, ये अपनी मम्मी से, माँ मुझे खाना दे दो अभी लाई। ठीक है, दोनों आपस में बातें कर रही हैं, यहाँ पे भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। आप दिल्ली कब आएंगे, ये लड़का जो है फ़ोन पर बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, ऊपर के चित्रों में लोग अपनी बात कर या कह रहे हैं, ये सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सही है, सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी बोलकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, ये जो आपस में बातें कर रहे हैं, सभी बोलकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अध्यापिका जो है वो बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है, ऊपर के चित्रों में लोग अपनी बात लिख रहे हैं। इधर देखिए, लड़का जो है ये लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। ऊपर के चित्रों में लोग अपनी बात लिख रहे हैं, ये सभी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी लिखकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोग उनकी बात पढ़कर समझेंगे, तो ये क्या होगा, लिखित भाषा होगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। किसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं, भाषा के द्वारा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे के सामने या एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, पहला क्या है, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा, मौखिक
भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब ये देखिए कि मौखिक भाषा कौन सी होती है, जो मुख के द्वारा बोलकर व्यक्त की जाती है, मौखिक भाषा होती है, ठीक है। लिखित भाषा, लिखित भाषा जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है, ठीक है। देखिए बेटा नीचे चित्र में एक गमला का चित्र दिया हुआ है, इसमें भाषा के रूप को दर्शाया गया है कि भाषा के कितने भेद होते हैं, दो, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। देखिए बेटा आगे हम करेंगे अभ्यास, क्या करेंगे अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है, अपने अपने विचारों को, अपने विचारों को प्रकट प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता, भाषा की आवश्यकता आवश्यकता होती है। देखिए उस लाइन में नहीं आता है तो आप नीचे लिखेंगे होती है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, हम भाषा का प्रयोग किन दो प्रकारों से करते हैं। तो बेटा हम भाषा का प्रयोग दो प्रकारों से करते हैं, पहला क्या है, मौखिक भाषा, ठीक है, मौखिक, और दूसरा है लिखित। हम भाषा का प्रयोग किन दो प्रकारों से करते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर ख है, चित्रों में भाषा का प्रयोग कैसे किया गया है, लिखकर या बोलकर बताना है। देखिए बेटा यहाँ पे जो ये बच्चे हैं ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भाषा का लिखित रूप होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखित रूप होगा। आगे के चित्रों में रीता, सुनो, हाँ, बोलो, दोनों लड़कियाँ जो है ये आपस में बातें कर रही हैं, तो ये मुख के द्वारा बोला गया है तो हम इसको मौखिक लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मौखिक, ठीक है। आगे के जो चित्र है इसमें नेता जो है वो भाषण दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पे मौखिक भाषा के रूप में कहेंगे कि ये मुख के द्वारा बोलकर अपनी बातें कह रहा है, तो हम ये मौखिक भाषा कहेंगे। आगे जो चित्र है उसमें अध्यापिका जो है वो बच्चों को लिखकर पढ़ा रही है, तो हम इसको लिखित भाषा कहेंगे, ठीक है, कहेंगे लिखित भाषा। आगे जो चित्र है इसमें कल दिल्ली में बारिश होगी, ठीक है, समाचार टीवी पर समाचार आ रहे हैं, तो यहाँ पे मौखिक भाषा लिखेंगे हम, मौखिक। आगे जो चित्र है इसमें ये लड़का जो है ये किताब पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे मौखिक भाषा ठीक है। तो बेटा ये था हमारा पाठ पहला भाषा का, आपको अच्छे से पाठ को पढ़ना है और अभ्यास में अपनी किताब में इनको खालिस्तानों को भरना है। ओके बेटा, धन्यवाद।